ये मुझे अनसब्सक्राइब करने की धमकी दे रही है मौसी, आप भी अनसब्सक्राइब कर दोगे मुझे? हाँ तुम कर दोगे अनसब्सक्राइब? तुम्हारी आईडी लैपटॉप में ही चल रही है मेरे। ठीक है मैं अपने आप सब्सक्राइब कर लूंगी, आगे समझ। हाँ तो कितने का हुआ ये मेकअप? लग भी रही हूँ, ये है कौन, ये कौन सी कौन है तू, मैं पहचान में आ रही है तो लगी नहीं ना। मैं तो बिल्कुल सेम ही लग रही हूँ जैसी मेरी शक्ल है। मैं ज्यादा चेंज लग रही हूँ या ये लग रही है बताओ, आप ही बताओ कौन कौन रो रहा था। तुम्हें हंसाने के लिए एक्टिंग कर दो, मैंने थोड़ा हंसाने के लिए एक्टिंग कर दी कि मुझे तो बहुत बुरी लग रही थी, पर बुरी लग रही थी ना तो सुंदर लग रही हूँ। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है भाई, कोई नहीं। इन्हें देखो वैसे भी खाना बनाना नहीं आता, जैसे बस सासों को ये डर रहता है ना रोटी बना के नहीं देगी, वैसे भी इतनी का वही तो आप ही बनाते हो, तो फिर इनसे क्या ही डर करा ना। आराम से बोलो। नहीं बेटा खाना बनाए या ना बनाए, ठीक है मेरी घर की बहू है, मेरे को पक्षी लेना पड़ेगा। नहीं मेरे को बना के खिलाना पड़ेगा। महाभारत में मौसी जी समझाया यही गया था, अपनों का पक्ष मतलब महाभारत ही हो जाती है, हर सही चीज का पक्ष लो। इतना मेकअप करने के बाद तुम दोनों, मीना भाभी तुम भी दोनों, बस मौसी ने तुम्हें फेल कर दिया 2 मिनट के अंदर अंदर। तो क्या फायदा इतना इतने मेकअप करने का। नहीं नहीं मैं उदास हूँ, ये इतना खा के बैठ गई है, इसका पेट इतना भर चुका है, इसे बोला भी नहीं जा रहा। वही तो जैसी किसी के साथ जाती है खिलाने के लिए खुद खा के आ जाती है। बार बार कह चुकी है अब नहीं खाऊंगी, बहुत ओवर हो चुका और तब से लगी पड़ी है। नहीं मिला चाची कोई भी खाना खिलाने वाला? चाची इतनी देर से ढूंढ रही है, कभी विपिन मिल जाए कभी अनमोल, कोई मिल ही नहीं रहा। हाय पूजा भाभी, चाची खाना खाती है, आ गया भाभी, मैंने तुरंत ही कैप्चर कर लिया। मैं शारी भाभी खाना वगैरह हो गया सारा, मौसी खाना हो गया, सही बना है सब कुछ? बढ़िया। ठीक है, क्या हुआ मौसी जी आप सबसे अलग क्यों बैठे हो? अरे अलग कैसे बैठो बताओ, ये लड़का सो रहा है, ये अब पूरी शरारते करके सो गया है, तो इसकी कवरिंग करते रखी है तकिए वकिए लगा के। हाँ वही तो, पोते का प्रेम यही होता है ना, पोते के चक्कर में कुछ भी करा लो। हो गया आपका खाना वगैरह, बोर तो नहीं हो रहे हो आप? बोर हो रहे हो तो माफी मांगना चाहते हैं, हम आपका एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बस आइसक्रीम खाइए, क्यों डाइटिंग चल रही है? उस खाने के अलावा कोई दूसरा काम बचा है या नहीं बचा? देवी का भाभी तुम्हें कितनी बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे, क्यों इतनी बुढ़ा चीजा बोलना ही बात। और अभी ये विकास भैया को दिखाने जा रही हूँ। क्या चीज, क्या फोटो खिंचाई? ओहो ठीक है, अभी विकास भैया को दिखाऊंगी। वो कहेंगे कि मैं इतना सजा हूँ, मैं बना हूँ तमिलनाडु। वही तो। हेलो दीदी, खाना पीना हो गया आपका? बस ये आइसक्रीम से ही खाना पीना हो गया। वही तो दीदी का शरीर ही बता रही थी, इतनी पतली कमी, दीदी कुछ खा लिया करो दीदी। आप लोगों ने खा लिया? भाभी खुश हो शादी से? सही लग रहा है भैया? कुछ दिक्कत है अभी बता दो, पूरी भीड़ है यहीं घेर लेंगे इन्हें। अभी घर में लड़ाई करके आए भैया, बहुत गलत बात है, क्यों इतनी नेतागिरी दिखाते हो आप? क्या हाँ वही तो बताओ, ये घर से लड़के आए हैं मौसी, क्यों लड़के आए हैं घर से? वही तो, इतना गुस्सा खराब होता है, मुझे लगा रोमिंग की कमी है क्या? तो अब यहाँ आके तो हैप्पी हो, घर से तो लड़के आए हो। भाभी बताओ आज आपके पास पूरा मौका है, जो भी आपको शिकायत है सब बोलो, सब सुनेंगे। डर गई, डर गई भाभी। बस भाभी इतना कहो क्या? अच्छा सॉरी 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 दीदी, डर गई। वही तो ये रिश्ते इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। बाय गाइस, मैं दूसरे टेबल पे जा रही हूँ। क्या हुआ छाया दीदी, किसकी चुगली कर रही? तुम्हारे हर वक्त ऐसे होठ क्यों चलते रहता है जब भी आओ? अरे हम बात कर रहे हैं, कभी आ जाएगी क्या? चाची कितनी कोल्ड ड्रिंक पियोगी, अनहेल्दी होती है ये। मतलब आज सारे लोग इतना सही फायदा उठा रहे हैं, वरना शादी में भूखे घूमते रहते हैं आज तो, जिसे देखो वही तो, जिसे देखो सबके हाथ में कुछ ना कुछ है खाने पीने का। वही तो देखो, इसे देखो कोमा कोमल, तूने हाथ कर दी कोमल, कोमल को पेट देखो, कोमल पेट दिखा अपना, अंदर अंदर कर लिया तुरंत ही पेट। हाँ
आ गई हम मैं हमें आ ही गई आखिरकार इधर माइक का वो कहां गया इसका यार ये कोमल है ना इसने खो दिया नॉनसेंस आइसक्रीम का लुत्फ ले रहे हैं आइसक्रीम का दिखा चुकी मैं इसे मेरी बढ़िया क्या हो गया कौन सा इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है शक्ल कितनी सीरियस हो गया डिस्कशन यहां पे ये चल रहा है जो हमारी ब्लॉगर है हिमांशु आज आपको सौभाग्य मिला उसके शादी की बात चल रही है हैं मेरी शादी की बात चल रही है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं भाई ये सोच रहे हैं यहीं से है किसी लेटर में हां अरे हाय ब्लॉगर हाय ब्लॉगर सिस्टर हां चांदी को इतनी शर्म आ रही है गलती से भी ये सोच रही है मैं बच जाऊं मैं क्या वही तो हां बट मेरा तो काम ही यही है जो नहीं आना चाहता उसी को लेने का इस व्लॉग में आके मेरी किस्मत खुल गई अरे आप टीम खुल गई थी जब आप हमारे जीजा बने ये तो छोटी चीज है व्लॉग में आना था और क्या जीजा बनना ज्यादा बड़ी चीज है किस्मत की सिलाई लग गई है ऐसे तेरे को बंद हो गई ये चल रहा है ऐसे बोले तेरे पर लिख के लाती है कैसे सब कुछ बोलना है गए 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 हां सही कह रहे हो हैप्पी बर्थडे जुगनू भैया कितने बड़े कितने बूढ़े हो गए हो आज आप हाँ जुगनू भैया बस भैया कितनी फोटो वोटो खींचोगे भैया कितनी उम्र के हुए हो बता तो दो क्यों इस बात को बार बार इग्नोर करे जा रहे हो मैं भी ये वाइब लेना चाहती हूँ सेलिब्रिटी वाली ये बताओ जुगनू भैया कितनी उम्र है मेरी उम्र 13 से 2 साल छोटा ही हूं हां अच्छा 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 सही बोल रहे हो ये जुगनू भैया की माता श्री कितने उस साल के हो गए मोती है सुनो चांदनी आप लोग स्पेशल गेस्ट हो ठीक है अरे पिछाटो वीडियो वालों की इज्जत नहीं होती कोई यार पिछाटो ठीक है धीरे धीरे आ रहा है जीजा वाला एटीट्यूड है ना आ रहा है अच्छा चलो करो स्टार्ट हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू तुम्हारी चमड़ी इतनी काली है इतनी क्रीम के बाद भी गोरी नहीं होगी है नहीं ये उसके बाद भी गोरी नहीं होगी अभी अंदर काला ही रहेगा सुन क्यों नहीं रहे हो सुन क्यों नहीं रहे हो मतलब बर्थडे तो ज्यादा इतरा रहे हो ना अपने बर्थडे पे इतरा के दिखा रहे हो जुगनू भैया इतना आके क्यों पसंद नहीं है मुझे भाभी मंडप कहाँ अच्छा मैं यही तो देखना चाहती थी खाने के अलावा किसी चीज का पता है या नहीं पता रुको पूजा भाभी से पूछती पूजा भाभी मंडप कहाँ अच्छा पता है ओके ओके खाने पे हां मां स्टार्ट भी हो चुके हैं मेरे फिर भी स्टार्ट हो गए ओहो हाय भैया बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हैं इधर फेरे चल रहे हैं और उधर दूसरी साइड केक कटिंग चल रही है हमारे घर वालों को तो फुर्सत ही नहीं है सारे उधर अपने में लगे पड़े हैं कोई बात होती है ये वही तो यहाँ दीदी वेट कर रही है और कोई दे आ ही नहीं रहा है आना ही नहीं चाह रहा है बस फेरे स्टार्ट होने वाले हैं अब कन्यादान स्टार्ट हो रहा है रचना दीदी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हैं
आज मैं बस सबकी खुशियाँ देख रही हूँ कि कौन कौन कितना खुश है। ज्योति दीदी से फिर चुन चुन के बदला दिलवाऊंगी कि कोई कैसे खुश हो सकता है किसी की विदाई वाले दिन। रचना दीदी इतनी ज़्यादा घूमें अपना केक मुझे देख के चली गई, ये नहीं कि छोड़ी ने क्या के गई है, ध्यान से रखियो आके खाऊंगी। आ गई हैं सारी भाभियाँ अब। फेरों की तैयारी हो रही है यह अब इस गांठ से इनका जन्मा इनका रिश्ता जन्मों जन्म तक का हो जाएगा। अरे भाई सबको बोले जा रही है, खुद तो इतना भर भर के खा रही है। तुम लोगों पे नजर लग रहा है, थक गई मैं। अच्छा 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 मम्मी तुम कितना खाओगी? देखो इतने सारे कटोरी ये नजर लगाए अब मुझे बहुत खुशी मिल रही है छाया दीदी की शक्ल देख के। आप लोग भी देखो यहाँ से इनकी ये मत सोचो स्माइल है, ये इनकी यहाँ से मेकअप हट गया। भैया तुम्हें बुरा नहीं लग रहा तुम्हारी बहन चली जाएंगी? भैया तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? लड़ेगा कौन मुझे सोच रहा है? मैं कहा तू ये काम उनसे और पूछती वो लड़ने के लिए। अब फिर से बोलो बोलो ना तो किस बता बच्चों को देख के मतलब तुम इतने साल पीछे ही तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखे तो तुम्हें इस चीज का दुख है, तुम्हें इनकी याद नहीं आएगी? ताई आशीर्वाद देने गई है, ये दोनों रोना जाए बस। पूजा भाभी का स्ट्रगल चल रहा है, पता नहीं क्या कर रही हैं ये। अब इनके फेरे वगैरह सब डन हो गए हैं, अब ये जा रहे हैं खाना खाने। मिसेस ज्योति कैसा लग रहा है आपको? और शादी ब्याह करके बैठो खुश हो? एक इंस्टाग्राम पे वो रील वायरल हो रही है। हाँ खुश हो? अच्छा लगा जी जब बेचारे आप थक गए हो बहुत ज्यादा, इतना ट्रैवल करके आए हैं। मेरी दीदी का बस खाने पे ही फोकस है, इनको कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से। तो अभी आई नहीं है ना आपकी नानी, इसलिए आप फ्रूट खा रहे हो। दोबारा लग गए आप खाने पे, छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे किसी और के लिए? कुछ आप बता दो हैं जल्दी बताओ। रचना दीदी खाना नहीं देती हो क्या घर पे हैं? यहाँ इतना बुरा खाना बनाती हो? भैया लेकिन खाना तो पड़ता है, ये तो रस्म होती है, खाना तो पड़ेगा। अब मेरी बोल रही है, अब मेरी बोलने की एनर्जी खत्म हो चुकी है। अंकल ओहो कितने अच्छे हैं यार जीजा कितना नहीं मुझे नहीं खाना इधर ही, मैं उधर आ रही हूँ बस एंगल में खाओ सपना दीदी। ओहो खा लिया आपको ना इनका सारा मेकअप आ जाएगा जीजा रहने तो ब्लॉग बना
बस सपना दी, सपना दी की सेहत का राज ये गोलगप्पे ही हैं, ये गोलगप्पे खा खा के गोलगप्पे जैसी हो गई हैं। और बर्मा गोलगप्पे वही तो अब तो गुस्सा हो गई। ठीक है सपना दीदी, ये सपना दीदी के साथ मेहमान आया कुछ वही तो पता ना क्या कर देता है, मुझे इनसे बहुत ज्यादा ड्रामे की एक्सपेक्टेशन थी, बहुत चिल्लाने वाली हैं, बट ये चिल्लाई बिल्कुल भी नहीं। अब एंड चल रहा है शादी का, सारे लोग इधर उधर बातों बातों में लगे हुए हैं, मुझे सबर नहीं हो रहा, जल्दी से घर पहुंचूं, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूं। हां यार दीदी सही में बहुत थक गई हूं मैं, अब इतनी मेहनत कर ली तो एंड में तो करनी पड़ेगी ना। तुझे ठंड लग रही है क्या? ठंड लग रही है क्या तुझे? अभी विदाई बाकी है, अभी बाय बाय नहीं है। रचना दीदी को जीजू ने गोल्ड की रिंग गिफ्ट करी थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं पीछे से देख रही, मैंने कह रही ये कौन सी नई रस्म चल रही है, फिर यहाँ के मुझे पता चला इनको एज अ नीम चढ़ाई गोल्ड की रिंग गिफ्ट मिली है। ये रचना दीदी को रिंग गिफ्ट मिली है, जीजू ने गिफ्ट करी है ना। सो लक्की दीदी, यू आर वेरी लक्की। अब यहाँ पे विदाई होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है फाइनली, यहाँ से हमें 3 बजे निकलना था और अब बज रहे हैं 5। अब इन लोगों ने हिलने का कष्ट करा है, इन लोगों को हिलने का ही नहीं मन करता है। हाय रोबिन जीजा, हाय। नींद आ रही है, इन्हें बड़ी नींद आ रही है, ये लोगों की नींद उड़ा दे, इन्हें नींद नहीं आने वाली कोई भी। क्यों उड़ा सकता हूँ? अरे ज्योति दीदी रो रही है क्या? ज्योति दीदी नहीं करो ऐसे प्लीज, मत रो यार। यार दीदी नहीं रो प्लीज, आपकी खुशी के लिए मैं इतनी देर से अपने पैरों में दर्द सह रही थी। ज्योति दीदी ऐसे करके लोग खुश हो सकते हैं, अब मैं आपको खुश खुश देखना चाहती हूँ। बाय सुशांत, बाय बाय दीदी, रहने दो एक मिनट। अरे चाची कोई बात नहीं, अभी अनमोल नहीं जा रही। कोई बात नहीं अनमोल, चुप करा यार, अभी थोड़ी नहीं जा रही, तो अभी टाइम है। काम भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्यों लिफ्ट से क्यों नहीं जा रहे हैं? मम्मी तुम्हें, मम्मी चाची को तो उधर रोना आ गया, तुम क्यों नहीं रो रही हो? कहाँ गई चाची? वो उधर गई, ले गई लिफ्ट में। ये देखो इनकी बहन, सभी ने तो नहीं रोकी। क्या हुआ कुछ में? बुआ का लाडला, जा चला जा जा, जा, जा। पापा के फालतू में थप्पड़ लगा दिए, पापा का कुछ रिलेशन नहीं था।
दीदी बाय करो खुशी खुशी हंसते हुए बाय। परसों आ रहे हैं तुम्हारे पास ठीक है। चलो भाई धक्का लगाओ गाड़ी का। माना कि तुम सब कोई लड़ने वाला नहीं बचा, हम लड़ लेंगे भैया तुमसे। कोई बात नहीं भैया, यार होता रहता भाई, तो ये तो एक प्रोसेस होता है भैया, कोई बात नहीं। बाय बाय चीजा जी। जाना तो मेरे साथ ही है। नहीं मैं अब उधर मेरी पार्टी वो खड़ी है, मेरा वो वेट कर रहे हैं। हाँ मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बाय भाभी। बाय गाइस। 5% बैटरी बच रही है बस मेरे फोन में। चलो चले। हाँ बाय गाइस। आज की शादी चलो फाइनली शादी अभी ओवर हो गई गाइस। अच्छे अच्छे रिव्यूज देने लड़की को, क्योंकि आज मैं भी उसके ब्लॉग में। ओके तो आप बाय बोलेंगे, कब बच्चा कब होता है किसी का? अच्छा किसी की मेरी शादी में। हाँ अब तो अब कुछ ऐसी मुलाकात नहीं होगी, शादी तो हमारे घर की सारी खत्म, बस मेरी शादी होगी। अरे सॉरी भूल ही गए, अभी तो तुम्हारे एक फंक्शन बचा हुआ है, हमारा रिसेप्शन। अभी रिसेप्शन आ गई, वहाँ पे मुलाकात होगी। मैं तो भूल ही गई थी, मेरी शादी में टाइम है यार गाइस। अभी मेरी शादी में टाइम है। हाँ अभी सारी चीजें बहुत टाइम है।